नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने गृह जनपद पौड़ी के खैरासन पहुंचे। क्षेत्रीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने खैरासन में राजकीय महाविद्यालय के लिए 306.40 लाख रुपए की लागत से बनाने के लिए भवन का शिलान्यास किया। जिस राजकीय महाविद्यालय का क्षेत्रीय जनता लंबे समय से सपना देख रही थी, उस सपने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास करके साकार करने का काम किया। क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। 1861 के बाद बंदोबस्ती नहीं हो पाई, जिसे हम बंदोबस्ती करेंगे उसके कारण एक तो सारे खातों की क्लियर कट हो जाएगा, कहाँ पर कौन है, किसका काबिज है, कौन उसका जिसको उसका अधिकार है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इससे हमको जो हम चाहते हैं कि चकबंदी हो, चकबंदी में सबसे बड़ी अगर बाधा है कोई तो ये बंदोबस्ती ना होना है। और इसलिए चकबंदी होगी, चेक्स होंगे, हम उसमें हमको जो भी गतिविधि हम करना चाहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर से इतर कोई गतिविधि हम करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के बहुउद्देश्य साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। अगले 6 महीने में सभी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी, इससे किसानों को सुविधाएं होंगी। नई टिहरी नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। चमुंड बौराड़ी नई टिहरी में पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हमने आज से सफाई अभियान प्रत्येक वार्ड में शुरू कर दिया। हमारा मकसद है कि यहाँ की जनता भी आगे आकर सफाई करे। सफाई के मामले में पालिका के द्वारा कूड़े की गाड़ियाँ भी बढ़ाई गई हैं। अभियान सफाई अभियान चलाए हैं जो आज से शुरू होकर हर वार्ड में जाएगा, और हमारा मकसद ये है कि जो हमारे नगर की जनता है ये भी आगे आए सफाई अभियान में, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो हमारा कूड़ा है नालियों में, गदेरों में, आप आजकल देख रहे हो नालियों से कपड़ों के थैले और कपड़ों के गट्ठे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने ही डाले, वो कोई बाहर से तो आए नहीं। तो हमारा मकसद मेन ये है कि लोग आगे आए सफाई के मामले में, और कूड़े की हमने इतनी गाड़ियाँ बढ़ा दी है, इन्हीं पर अपना कूड़ा डालें। बागेश्वर में अब अगले महीने से ही नया डिजिटल राशन कार्ड मिलेगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। डिजिटल राशन कार्ड न होने पर आपको सस्ता राशन देने पर रोक लग सकती है। पूर्ति विभाग ने अपने 66,000 राशन कार्डों को डिजिटलाइजेशन करने का काम शुरू कर दिया। विभाग अब तक 55,000 से अधिक कार्डों की जाँच और उनका नवीनीकरण कर चुका है। शेष राशन कार्डों की जाँच और नवीनीकरण का काम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूरा किया जाएगा। देखिए, अभी हमारे जनपद में जो 66,000 के लगभग राशन कार्ड है, और ये जितने भी राशन कार्ड हैं, क्योंकि पुराने राशन कार्ड अब उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और नए राशन कार्ड पीवीसी राशन कार्ड के रूप में इस तरह के राशन कार्ड बनने हैं, इसके लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया हो गई है। और डाटा मॉडिफिकेशन के लिए भी हमारे पास लगभग 55,000 राशन कार्ड का डाटा मॉडिफाइड हो चुका है, 10,000 के लगभग बचा है, वो भी ऑपरेटर लगे हैं। तो इस महीने के एंड से ये प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, और मेरे हिसाब से अगस्त के आसपास हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। बागेश्वर नगर पालिका का चिल्ड्रन पार्क इन दिनों कूड़ा वेस्ट मटेरियल और डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। पार्क में जगह जगह पर कूड़े और गंदगी का आलम पसरा है। इस पार्क के आगे 300 मीटर की दूरी पर नगर पालिका का कार्यालय स्थित है, मगर इस ओर पालिका का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। वहीं पालिका के इस रवैये के खिलाफ स्थानीय जनता में आक्रोश भी है। उन्होंने इस पार्क को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है, और ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। उसको डंपिंग जोन नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में आप जो हमारा कूड़ा घर था जहां हम कलेक्शन करते थे, वहां से उठाते थे, वहां पर चूंकि पुल बन रहा है, तो पुल बनने से कारण वहां पर खुदान हो गया था। खुदान होने के कारण हमारी बड़ी गाड़ी जो है वहां नहीं पहुंच पा रही थी। तो अब हमें विकल्प ढूंढना था कि तत्काल में हम उस जो कूड़ा हमारा एक जगह इकट्ठा हो रहा है उसको कैसे उठाएं, कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे उठाएं। तो वो समस्या को देखते हुए, चूंकि वो पार्क अभी हमारा खाली पड़ा हुआ था, उसका यूज नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको कुछ दिन के लिए व्यवस्था कर ली थी। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर हर एक प्रयास कर रहे हैं। कीर्तिनगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नगर के सभी वार्डों में फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही नगरवासियों को कोविड-19 बीमारी से बचने और सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान चलाकर क्षेत्र के आसपास कूड़े का भी निस्तारीकरण किया। और विकास दुमागा सभासद नगर पंचायत कीर्तिनगर का कहना है कि हर वार्ड में साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। कोरोना संकट काल के प्रारंभ से ही नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा नगर के सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है, घर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है, और दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, और साथ ही साथ फॉगिंग भी समय समय पर की जाती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोरोना महामारी के साथ साथ अभी पूरे देश में डेंगू भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, जिसके लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा अभी नगर के सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है,
और जिसके लिए मैं नगर पंचायत कीर्तिनगर अध्यक्ष एवं नगर पंचायत की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। विकासखंड जौनपुर के मुख्यालय थत्यूड़ में विकासखंड मुख्यालय को जाने वाले मार्ग की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसी सड़क से 140 ग्राम प्रधान और 40 क्षेत्र पंचायतों के साथ कई अधिकारी विकासखंड मुख्यालय जाते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। साल भर से ये सड़क का जो हालत है वो ऐसी दिखाई दे रहा है। हमने इस पे मांग भी उठाई थी, लेकिन मैं अभी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत भी हूँ, हमने तब आप मांग भी उठाई थी लेकिन ये नहीं हुआ था। और हम आजकल लगभग एक महीने पहले डीएम साहब को मिलने भी गए थे, इसका ज्ञापन भी दे रखा है। डीएम साहब ने हमसे ज्ञापन मांग रखा है और डीएम साहब ने हमें एक प्रतिलिपि भी भेज चुके हैं कि इसका जल्दी से जल्दी वो एस्टिमेट बना दीजिए और इसका काम बहुत जल्दी होगा। हमने ब्लॉक प्रमुख से भी ये निवेदन किया, तब जाके हमने ये प्रस्ताव रखा है। इस रास्ते की हालत आप देख सकते हो कितनी बुरी स्थिति में। हमें तो लगता नहीं, यहाँ पे 146 ग्राम प्रधानों का ये मुख्यालय है और 40 क्षेत्र पंचायतों का ये मुख्यालय है, क्योंकि यहाँ पर 146 ग्राम प्रधान और 40 क्षेत्र पंचायत बैठते हैं। जब इस हालत में ये रास्ता है तो आप समझ सकते हो कि जो अस्तानी गांव के और इधर आसपास के रास्ते हैं वो किस हालत में होंगे। आज विकासखंड जौनपुर के मुख्यालय थत्यूड़ में और इस समय मैं खड़ा हूँ ठीक जो विकासखंड मुख्यालय को जाने वाली सड़क है वहां पर। और आज संवाद 365 का यहाँ पर आने का मुख्य कारण है यहाँ की सड़क की मुख्य दुर्दशा। मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है विकासखंड मुख्यालय। 146 ग्राम पंचायत और 40 क्षेत्र पंचायत इस विकासखंड मुख्यालय में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो दशा है इस सड़क की, यहाँ पर वाहन चलाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इस संबंध में शासन प्रशासन को सूचना दी जा चुकी है और साथ ही तमाम जो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, इसी मार्ग से अपने विकासखंड मुख्यालय तक पहुंचते हैं। साथ ही जिले के कई बड़े अधिकारी विकासखंड मुख्यालय तक पहुंचते हैं इसी सड़क से होते हुए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा एक बार दिखाएं किस प्रकार से जो हालत है यहाँ पर, इस सड़क की दुर्दशा है उसको देखें। ये स्थिति है विकासखंड जौनपुर के मुख्यालय को जाने वाले मुख्य मार्ग की, जो मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ से विकासखंड मुख्यालय, लेकिन जो दुर्दशा है सड़क की वो बद से भी बदतर है। और कई बार इस संबंध में जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में भी ये मामला है, शासन प्रशासन और अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मामला है, लेकिन फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ के प्राचीन शिव मंदिर में पहाड़ के हिसाब से पहले सोमवार पर भक्तों ने सामाजिक दूरी बनाकर जौनपुर क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष बहुत कम श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। सावन का पहला सोमवार होने से लोग सुबह 6 बजे से ही मंदिर में आने शुरू हो गए थे। आज सावन का पहला सोमवार है और जैसे जो कोरोना महामारी है उसके चलते उतनी भीड़ नहीं है जो पिछले वक्त होती थी, फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस महामारी से सब लोगों की रक्षा करें। भी मिलना है राव सर कि ये सावन का पहला सोमवार है, लेकिन जैसी भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि देश में कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन फिर भी लोग आस्था के प्रति और सोशल डिस्टेंस के साथ मंदिर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिव शंकर भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ये प्रथम सोमवार है, मैं आज शिव मंदिर थत्यूड़ में सुबह आ रखा हूँ और भगवान भोलेनाथ की मैंने पूजा की। मैं जो आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में पूरे देश में जो महामारी आजकल चल रही है, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा भगवान भोलेनाथ हमें जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हमें दूर करें। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रहीं। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।